दोस्तों, विश्व के बदलते हालात और युद्ध के मैदान में बदलती तकनीकों को देखकर भारत भी सीख ले रहा है। भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है कि अगर युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों को बचाना है और जीत हासिल करनी है तो हमें नई तकनीकों का विकास करना ही होगा और इसके लिए हमें आत्मनिर्भर रूप से प्रयास करने होंगे। भारत हाल ही में हुए युद्ध से काफी ज्यादा सीख ले रहा है और भारतीय सशस्त्र बलों को इस डाटा का इस्तेमाल करके और उत्तम हथियार देने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए हम अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुए युद्ध को देख सकते हैं, जहां पर विश्व को ये सीखने को मिला कि कैसे ड्रोन की मदद से दुश्मन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो कि युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं इसके अलावा रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमें ये समझने को मिला कि जरूरी नहीं है कि एक ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली देश जिसके पास एक शक्तिशाली सेना है वे अपने से कमजोर देश को मात्र कुछ ही घंटों में हरा देगा। अगर छोटे देश के पास ऐसी सेना है जिसके पास अच्छे हथियार और हथियारों की अच्छी सप्लाई लाइन मौजूद है तो वह दुश्मन को टक्कर दे सकता है। भारत विश्व की इन्हीं घटनाओं से सीख लेते हुए अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अच्छे और उन्नत हथियार प्रणाली का विकास कर रहा है, जो कि भविष्य में काफी ज्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। ऐसी ही एक प्रणाली है अल्फा, यानी कि एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट, जो कि एक नेटवर्क स्वार्म ड्रोन प्रणाली होने वाली है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया जाने वाला था और इसका इस्तेमाल काफी हद तक रक्षात्मक रूप के लिए भी होना था। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि भारत के हथियारों को विकसित करने के मामले में बढ़ती क्षमता को प्रमाणित करती है। दरअसल अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि अल्फा अब बस रक्षात्मक इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल दुश्मन के हेलीकॉप्टर और मेल क्लास यूवीज पर हमला करने के लिए भी किया जाने वाला है। अल्फा एस के विकसित किए जाने वाले नए वेरिएंट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, जो कि इसे दुश्मन के हेलीकॉप्टर और यूवीज पर हार्ड किल का इस्तेमाल करके हमला करने की क्षमता प्रदान करेगा। हार्ड किल का मतलब होता है किसी टारगेट के ऊपर फिजिकल रूप से हमला करना। वहीं पर किसी टारगेट पर हमला करने के लिए सॉफ्ट किल का भी ऑप्शन मौजूद होता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर हमला करना। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि अल्फा एस हथियार प्रणाली में हार्ड किल का ऑप्शन मौजूद होगा, जो कि इसे काफी ज्यादा सक्षम और महत्वपूर्ण हथियार बना देता है। वहीं पर फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उससे ये भी पता लग रहा है कि अल्फा के अंदर ये भी खूबी होने वाली है कि वो दुश्मन की तरफ से भारत के इलाके में भेजे गए स्वार्म ड्रोन पर भी हमला कर सकता है और एक साथ एक नहीं बल्कि कई, यानी कि मल्टीपल ड्रोन को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि अल्फा को एक काफी महत्वपूर्ण और भविष्य का हथियार बना देता है। वहीं पर इसके अलावा भारत अल्फा को ऐसे विकसित कर रहा है कि इसे भारतीय वायुसेना का केवल एक विमान ही इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में भारतीय वायुसेना के पास मौजूद नए लड़ाकू विमान इस हथियार प्रणाली का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां तक कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अल्फा हथियार प्रणाली का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि ये साबित करता है कि अल्फा एक वर्सेटाइल हथियार प्रणाली होने वाली है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी डिफेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर की तरफ, जो कि भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को लेकर आ रही है, जिसके बारे में कुछ ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। दरअसल खबर ये आ रही है कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक नहीं बल्कि कई देश रुचि ले रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक काफी अच्छी बात है। मौजूदा समय में कुछ बड़े और विकसित देश जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के तेजस फाइटर जेट में रुचि ले रहे हैं। वहीं पर इसके अलावा इजिप्ट, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी भारत के हल्के लड़ाकू विमान में काफी रुचि ले रहे हैं। आपको पता ही होगा कि भारत ने तेजस को मलेशिया को भी ऑफर किया है उनके 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत। वह बात अलग है कि अगर राजनीतिक कारणों की वजह से मलेशिया भारत का तेजस नहीं खरीदता है, लेकिन इस बात से तो मलेशिया भी इनकार नहीं कर सकता कि टेंडर में मौजूद सभी फाइटर जेट में तेजस सबसे सर्वश्रेष्ठ और अच्छा ऑप्शन मौजूद है। वहीं पर भारत अब धीरे धीरे एक रक्षा निर्यातक देश बन रहा है। भारत ने पिछले कुछ समय में कई देशों को स्वदेशी रूप से बनाए गए सुरक्षा उपकरण बेचे हैं और वह देश भारतीय उपकरणों के इस्तेमाल से और इनके परिणामों से खुश भी हैं। इसीलिए ये बात तो साफ हो गई है कि भारत के अंदर क्षमता मौजूद है कि हम बड़े रक्षा निर्यातक देश जैसे कि रूस, अमेरिका और फ्रांस का मुकाबला कर सके, क्योंकि भारत बदल रहा है और बढ़ता भारत तेजी से अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा है और रक्षा निर्यात के मामले में बहुत जल्दी भारत विश्व के कुछ सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल होगा। फिलहाल तेजस लड़ाकू विमान भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि अभी नहीं तो भविष्य में जरूर, लेकिन तेजस फाइटर जेट का भी निर्यात भारत एक से ज्यादा देशों को करेगा और भारत के पास स्वदेशी लड़ाकू विमानों की भी एक अच्छी और ताकतवर श्रृंखला मौजूद होगी, जिसका इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि विश्व में कई देशों की वायुसेना करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।